शाम 7 बजे खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर की प्रतिभाएं अब न सिर्फ जिले में बल्कि संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा से हम आपकी खास मुलाकात करवाते हैं। दरअसल विद्युत विभाग में कार्यरत रविंद्र श्रीवास को मध्य प्रदेश की ओर से बैडमिंटन के लिए चुना गया है और वे राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रविंद्र श्रीवास विशाखापट्टनम में होने वाले 21 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाले नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। उन्हें मध्य प्रदेश की टीम की ओर से खेलने का अवसर मिलेगा। आज हम ऐसे शख्स से बात करवाएंगे जो छतरपुर के हैं और यहां से नेशनल के लिए बैडमिंटन खेलने जाएंगे विशाखापट्टनम। मध्य प्रदेश का ये प्रतिनिधित्व करेंगे और इनसे अपन जानेंगे कि इन्होंने अभी तक कितने बैडमिंटन के मैच खेले हैं और क्या इनका प्रदर्शन रहा है और आगे क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर के MPV में जॉब कर रहे रविंद्र श्रीवास जी, जो कि वर्तमान में भोजपुर में क्लब में वहाँ पर मैच खेला है इनने और वहाँ के ये रनर रहे हैं। इनसे जानेंगे अब ये कहाँ जाएंगे और कितने खिलाड़ी जाएंगे और कैसा प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, आपका पेपटेक पर एक तो बहुत बहुत स्वागत है। जी आप बताएं कि अभी तक आपने कितने मैच खेले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आपने आपके पेपटेक चैनल पर बुलाया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो बैडमिंटन का खेल है जी, हमने 2004 से नेशनल स्टार्ट किया है खेलना और इसके पहले हमने 2000 से शुरू किया था, 2000 से शुरू किया था। अब 2004 से हम कंटिन्यू आज MPV इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से नेशनल खेलते आ रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में हाल ही में हम 27-29 तारीख को जो भोपाल में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था वहाँ ये खेल का प्रदर्शन, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से अपनी टीम लेके गए थे। उसमें हम लोग 4 लोग गए थे जिसमें हमने 50+ में भाग लिया था और हम फाइनल तक खेले 2000 हैं। तो उसके बाद हम अब रनर रहे वहाँ पर 50 में। अब हमको विशाखापट्टनम जाना है खेलने के लिए। विशाखापट्टनम में हम लोग फरवरी 19 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, जो हमारा जो वो है 21 तारीख से मैच स्टार्ट होंगे और जो 25 तारीख को चलेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं छतरपुर के लिए और आगे भी हम सोचते हैं कि छतरपुर में जो बैडमिंटन के प्रति जो रुझान बच्चों में नहीं है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि लाएंगे। जो हमारे यहाँ जो टीम गठित हुई है MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 21 तारीख दिसंबर को, वो भी नेशनल खेलने जाएगी, जिसमें हम लोगों 10 लोगों का चयन हुआ है। हमारा यहाँ उस टीम में 3रा स्थान है और हम सोचते हैं कि यहाँ पर भी इस प्रकार से हॉल और कोर्ट बनाए जाएँ जिससे बच्चों को इस ओर रुझान पैदा हो और ज़िला छतरपुर का नाम रोशन करें। और हमें आशा है कि यहाँ के प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी यहाँ के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं उनसे हमें आशा है कि एक हॉल यहाँ बनवाया जाए। उस हॉल में क्या है, केवल बैडमिंटन के लिए नहीं रहता, वो एक कॉमन हॉल रहता है। उसमें आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, खो खो भी खेल सकते हैं, टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं, उसमें आप कबड्डी भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक रविंद्र जी ने बताया है कि छतरपुर में कहीं ना कहीं एक जो बच्चों के लिए है एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, जिससे वह जो बैडमिंटन की प्रतिभा है लोगों को बच्चों को सिखा सकें। और वैसे छतरपुर में देखा गया है कि अन्य विधाओं में भी खिलाड़ी, चाहे वो हॉकी हो चाहे बेसबॉल हो, लगातार खिलाड़ी और छतरपुर से नेशनल तक जा रहे हैं और छतरपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। तो शाम 7 बजे खबरों में इतना ही, अगले घंटे फिर होगी मुलाकात।